हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 में के बारे में, है ना। अभी इसके बारे में नया शेड्यूल जारी हुआ कि वैकेंसी आने वाली है ना। तो हम यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल विकास संचालनालय ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2016 सिलेबस, यानी जो सिलेबस इन्होंने बनाया था, हम उस सिलेबस की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी कोई नया एग्ज़ाम होता है तो उसके सिलेबस में सम चेंजेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस जो होता है पिछले एग्ज़ाम में हुए सिलेबस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड का सिलेबस यहाँ पर है। इसके बाद है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, मैकेनिक डीजल ट्रेड का, फिटर ट्रेड का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, वेल्डर का है, और मैथ्स ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस क्या रहता है, उसका पेपर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, किस टॉपिक से बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम बाकी ब्रांच के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने ये भी बता दिया है कि वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दी है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इस सिलेबस की PDF जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं। दोस्तों, मैं सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको लेके कुछ भ्रांतियाँ हैं, है ना। जैसे कि आज हम इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है ना। यहाँ पर ये बाकी ट्रेड लिखी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। हम इनके बारे में पूरी डिटेल आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। सभी के सिलेबस के बारे में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है सिलेबस, है ना, और बस चंद सेकंड और ही लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस की क्या रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सिलेबस है प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज के लिए है, है ना। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो सिलेबस है, ये ITI ट्रेड के जो वहाँ के स्टूडेंट के पढ़ने वाले होते हैं, उनके बुक पे डिपेंड ये सिलेबस है। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये उन स्टूडेंटों का सिलेबस है जो कि ITI में पढ़ते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यही जो TO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे कि किस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ताकि आप टॉपिक को जल्दी से कवर कर पाएँ और अच्छे से उन्हें पढ़ पाएँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज, है ना, और प्रोफेशनल स्किल। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, वो प्रोफेशनल नॉलेज से बनेगा। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो दोस्तों, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, है ना। इसके बारे में आप बहुत आसानी से PDF के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अब इतने सारे टॉपिक इनने है सेफ्टी और हेल्थ को लेकर दिए, इसमें से सिर्फ दो क्वेश्चन वो आपसे पेपर पर पूछेंगे। जैसे बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन में से एक क्वेश्चन हो सकता है, पर्सनल प्रोटेक्शन, बेसिक इंजरी,
और वार्निंग क्वेश्चन, पर्सनल सेफ्टी मैसेज, यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंगुइशर, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। और इसके बाद है सॉफ्ट स्किल, है ना, सॉफ्ट स्किल के बारे में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जॉब एरिया आफ्टर, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जैसे कि फायर एक्सटिंगुइशर से क्वेश्चन आता है वहाँ से आ गया। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड हैंड टूल स्पेसिफिकेशन, यानी जो आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होते हैं या एक इलेक्ट्रिशियन के जो हैंड टूल होते हैं, कि हैंड टूल्स की पहचान से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, टूल्स से रिलेटेड, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, फ्री इलेक्ट्रॉन से, फंडामेंटल टर्म, डेफिनेशन, यूनिट और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग टेक्निक, रजिस्टर, टाइप ऑफ रजिस्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर को लेकर के, यानी प्रतिरोधों को लेकर के एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद है अगला इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, है ना, एक्सप्लेन डेफिनेशन प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल के जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, मतलब एक नया आईएसआई मार्क किससे रिलेटेड, जो भी उसके नए रूल आए हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के 2011 के अनुसार, वो उनमें से कोई रूल से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए कि इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 क्या है ना। और इसके बाद है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, वोल्टेज ग्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर, और है ना, मतलब कंडक्टर से आएंगे, इंसुलेटर से आएंगे, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, चालक और कुचालक से लेकर के आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ वायर एंड केबल, इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रेड, वोल्टेज ग्रेड केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग को लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है लो, मीडियम एंड हाई वोल्टेज, और इसके बारे में भी पूछा जाएगा, है ना। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन बनता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होगी, है ना। इसके बाद है रजिस्टर्स यानी प्रतिरोध, लॉ ऑफ रजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल सर्किट से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और मेजरमेंट वैल्यूज ऑफ रजिस्टेंस, और मैं वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए रजिस्टेंस है, यानी ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और किरचॉफ के लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें रजिस्टर के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है, तो कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से क्वेश्चन आएगा, जैसे प्लग, सॉकेट होल्डर, बोर्ड, वायर, केबल्स एट्सेट्रा, इट्स इन सबसे रिलेटेड कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, सीलिंग रोज, फैन वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, इससे, है ना। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले, क्योंकि ये फिर से रिपीट कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में क्या क्या पूछेगा आपसे, हो सकता है स्विच के बारे में पूछे, लैंप होल्डर, प्लग एंड सॉकेट, है ना। और ये है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम, अलार्म एंड स्विच विथ, ये ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर MCB, ELCB और MCCB से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद आते हैं अगला, कि अगले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। अगला है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी बैटरी और सेल से रिलेटेड आपको यहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है NI निकिल कैडमियम सेल, लिथियम सेल, कैथोडिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे, सेल डिस्क्रिप्शन, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, है ना, और बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है अगला रिचार्जेबल ड्राई सेल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड कोई एक आ सकता है। अगला है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही है ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, UPS, प्रिंसिपल वर्किंग, लेड एसिड सेल, जनरल इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं ना। अब इसके बाद है एलाइट ट्रेड इंट्रोडक्शन, फिटिंग ट्रेड्स, यहाँ मतलब फिटर से रिलेटेड कुछ, फिटिंग ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्किंग टूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, और कारपेंटर कॉमन हैंड टूल्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, चीजल्स, मैलट्स, क्ला हैमर, मार्किंग, डिवाइडिंग, होल्डिंग टूल्स, दियर गेयर, मतलब टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ना ये क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा है, टूल्स हमने फर्स्ट में भी देखा था और अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद है
टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, ड्रिल मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पर। और रिवेट्स के बारे में, यूज़ ऑफ थ्रेड गेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अगला है कटिंग टूल्स, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैग्नेटाइजिंग, हाँ यहाँ मैग्नेट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जैसे उन्होंने उन्हें बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट है ना, मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, मैक्सवेल रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर लूप और एंड सोलेनाइड, MMF, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, BH कर्व, हिस्टेरिसिस, एडी करंट प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेस लॉ, लेंज लॉ, कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप फंक्शन, मतलब इतनी सारी चीज़ों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है लेंज लॉ आ जाए, फेराडेस लॉ आ जाए है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल आ जाए, MMF, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, BH कर्व, हिस्टेरिसिस, एडी करंट, इनसे रिलेटेड कोई एक ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अल्टरनेटिंग करंट, AC थ्योरी। AC थ्योरी में AC DC से रिलेटेड टर्म रहेंगे है ना, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू से, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, साइन वेव, फेज डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एम्पिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, पावर फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, प्रॉब्लम ऑफ AC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पावर कंजप्शन, हाँ यहाँ पावर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में यहाँ क्वेश्चन होगा, और लाइन एंड फेज वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब स्टार और डेल्टा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो पूरे आएंगे। यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड आएंगे दोस्तों, अर्थिंग से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से क्या क्या पूछे जाने वाला है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा, टाइप ऑफ मटेरियल है ना। इसी के साथ यहाँ पर से इतने क्वेश्चन आपके फर्स्ट 25 में होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, अभी हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक देखा, अब हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे पूछा जाएगा बाइनरी नंबर, लॉजिक गेट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में है ना, और इलेक्ट्रिक वायरिंग में इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वायरिंग रिलेटेड से क्वेश्चन आएंगे, जैसे PVC कंसील्ड सिस्टम, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरटेनमेंट वायरिंग के बारे में बताएंगे, टेस्टिंग ऑफ वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और MCB, ELCB, फ्यूज़ रिले और MCB वगैरह के क्वेश्चन होंगे, DC मशीन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर लिखा है जनरल पर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके बाद है DC जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, DC जनरेटर के टाइप, MMF, EMF वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, DC मोटर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे है ना, DC मोटर से उन्होंने दिया है टाइप्स ऑफ मोटर, स्टार्टर यूज्ड इन DC मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं है ना। इसके बाद है यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर इन इंडस्ट्रीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, AC DC, DC DC, AC से DC, DC से DC, DC से AC है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आने वाले, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से है ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिन्हें कहते हैं, EMF इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर या देयर कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसके बाद आएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिए हैं उनने PMMC, रेंज एक्सटेंशन, मल्टीमीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, फ्रिक्वेंसी मीटर, फेस सिक्वेंस मीटर, मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर, टेक्नोमीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एमीटर, वोल्टमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ दोस्तों अब इंडक्शन मोटर से भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया उन्होंने, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, कंट्रोल एंड पावर सर्किट ऑफ स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सिंगल फेज फेजिंग प्रिवेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है
अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। और सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें स्पेशल उन्होंने दिया है वर्किंग प्रिंसिपल इफेक्ट, चेंज ऑफ एक्साइटेशन एंड लोड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब आएंगे दोस्तों क्वेश्चन, है ना, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टेक्निक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डीसी मशीन की वाइंडिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग, पोल पिच, कॉइल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, लेप एंड बेब वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एसी मशीन की वाइंडिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद है एल्यूमिनेशन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, प्रदीप्ति जिसे कहते हैं हम, उससे भी उसमें लैंपों के बारे में पूछा जाता है, जैसे न्योन साइन, हेलोजन, मरकरी वेपर, सोडियम वेपर, फ्लोरोसाइन ट्यूब, CFL, LED, सोलर लैंप, फोटो सेल अप्लाइंसेस, डेकोरेशन, डेकोरेशन लाइटिंग, ड्रम, स्विच एफिशिएंसी वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। इंडस्ट्रियल वायरिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम लास्ट के 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दिया है मशीन कंट्रोल कैबिनेट या कंट्रोल पैनल लेआउट से, असेंबली से रिलेटेड वायरिंग सिस्टम से कोई क्वेश्चन होगा, कंट्रोल एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कंट्रोल एलिमेंट में आइसोलेटर, पुश बटन, स्विच, इंडिकेटिंग लैंप, MCB, फ्यूज़, कंडक्टर, रिलेस, ओवरलोड, रिलेस, टाइमर, रेक्टिफायर, लिमिट स्विच, कंट्रोल ट्रांसफार्मर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ दोस्तों डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के बारे में ये फिर से रिपीट हो रहा, मतलब यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक केटली, हीटर, इमर्सन हीटर रॉड, प्लेट, ओवन, गीज़र, कुकिंग रेंज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, मोटर पंप सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एंड अर्थ, सीलिंग फैन, बजर, अलार्म, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, लाइट वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पावर जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, थर्मल, कोल बेस्ड, डीजल बेस्ड, गैस टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, न्यूक्लियर से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर का वितरण हम किस प्रकार करते हैं, सर्किट ब्रेकर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आप पिछला साल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ सेम मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के TO के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में सारे ट्रेड जो भी वहाँ पर दी हुई है उन सब के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।